अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पैनल ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल करने का समर्थन करते हुए उसे कोविड से निपटने का बड़ा विकल्प बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों कोरोना पॉजिटिव हुए। गुरुवार को राष्ट्रपति ऑफिस से बयान जारी करते हुए जानकारी साझा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर एमैनुअल मैक्रों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि एमैनुअल मैक्रों से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को भी कोरोना हुआ था। हालांकि ये सभी नेता अब स्वस्थ हैं। कड़ाके की ठंड से दिल्ली दहल रहा है। लगातार गिरते पारे के बीच मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। अनुमान है कि महीने के आखिरी में दिल्ली को 2 डिग्री का टॉर्चर भी झेलना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर छाए दिल्ली में बाबा का ढाबा वाले बाबा कांता प्रसाद एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार बाबा की अपनी जान की सलामती के लिए दुहाई कर रहे हैं। उन्हें जान से मारने की और ढाबे चलाने की धमकियां मिल रही हैं। वरुण धवन और नताशा दलाल का रिश्ता करण जौहर शो में खुलकर सामने आया है। फिल्म कोली नंबर 1 के प्रमोशन के दौरान करीना संग बातचीत करते हुए वरुण धवन ने बताया कि नताशा दलाल ने उनका प्रपोजल स्वीकार करने से पहले 3 से 4 बार रिजेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोरोना संकट से दिल्ली धीरे धीरे उभर रही है। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,000 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 1,361 पॉजिटिव केस निकल कर सामने आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने महज 28 साल की उम्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। मोहम्मद आमिर ने गुरुवार को क्रिकेट से संन्यास लेते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीबी ने ड्रग मामले पर करण जौहर को समन भेजा। एनसीबी का कहना है कि करण जौहर किसी मामले में संदिग्ध नहीं है, लेकिन ड्रग से जुड़े केस में उनसे कुछ जानकारियां हासिल करना है। सीबीआई ने गुरुवार को 525 करोड़ रुपए के 2 अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामलों में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने पहला मामला करीब 452.62 करोड़ और दूसरा मामला 72 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का दर्ज किया है।